नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन पीची या फैबियाना एम्बिकाटा के सिम्पटम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारा चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन पीची या फैबियाना एम्बिकाटा के सिम्पटम। फैबियाना एम्बिकाटा औषधि दक्षिण अमेरिका में पैदा होने वाली छुप नमक पौधे से बनाई जाती है। रोगी में उत्पन्न विभिन्न लक्षणों में यह औषधि अत्यंत लाभकारी है। पीची या फैबियाना एम्बिकाटा औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में किया जाता है, परंतु यह औषधि मूत्र रोग में विशेष रूप से लाभकारी होती है। यह औषधि रोगी के शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है तथा पित्त को नष्ट करती है। नाक से नजला निकलना, कामला, पीलिया तथा मंदाग्नि आदि को ठीक करने के लिए भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। पीची औषधि का प्रयोग करने से शरीर में पित्त अधिक मात्रा में बनने से रोकता है। मूत्र से संबंधित लक्षण, मूत्र नली की सूजन, सुजाक, प्रोस्टेट डिजीज, मूत्र क्रिच, पेशाब का कष्ट के साथ आना, मूत्राम्ल प्रवणता यानी यूरिक एसिड डिजीज तथा पेशाब के साथ सफ़ेद रंग का पदार्थ आने के साथ होने वाली पुरस्थ ग्रंथि की सपुई अवस्थाओं में रोगी को फैबियाना एम्बिकाटा या पीची औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यह औषधि मूत्र संबंधित रोगों में तेजी से क्रिया करके रोग को ठीक करती है। मात्रा फैबियाना एम्बिकाटा या पीची औषधि का मुराक के 10 से 20 बूंद तक का प्रयोग किया जा सकता है। हम अपने अगले वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।